नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी रण की स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस के पूर्व जो मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी बात कह डाली है। अपनी रैलियों में वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि अगर आपको कांग्रेस को वोट नहीं देना है तो आप अपना वोट बीजेपी को डालें। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को डालें। बिल्कुल आपने सही सुना है, यही बोल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें लेकिन जेजेपी को अपना वोट ना दें। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ये जो कांग्रेस की तरफ से और हरियाणा की तरफ से निकल कर आ रही है कि आपको जो कांग्रेस को वोट है नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। जेजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कटुआ कटुआ इस तरह का कोई शब्द भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यूज किया गया है कि उन कटुआ पता नहीं इन तरह से उनको वोट नहीं डालना है, यानी जेजेपी को वोट नहीं डालना है। हरियाणा की रैली में बोले पूर्व सीएम हुड्डा, बीजेपी को वोट भले ही दो लेकिन वोट कटुआ यानी जेजेपी को मत देना। और इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज की ओपिनियन पोल में और सर्वे में भी कि 83 से ज्यादा सीटें हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। जी हां दोस्तों, आज की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 83 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है हरियाणा के अंदर। ये एबीपी न्यूज का जो सर्वे है वो बोल रही है, एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल बोल रहा है कि 83 से ज्यादा सीटें हैं वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। और जेजेपी और आईएनएलडी कुल मिलाकर कहा जाए तो चौटाला परिवार का खाता भी हरियाणा में नहीं खुलने वाला है। जी हां दोस्तों, एकदम से बिल्कुल सही सुना है आपने। ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज का बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि चौटाला परिवार का खाता भी हरियाणा में नहीं खुलेगा। सर्वे के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप, 90 में से 83 सीटें मिल सकती हैं। चौटाला खानदान का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान। 40% से ज्यादा जनता ओपिनियन पोल के तहत चाहती है कि मनोहर लाल खट्टर दोबारा सीएम बने, और 20% के लगभग जनता चाहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने। इसी बीच दो बड़ी अपडेट हरियाणा की तरफ से और उसके बाद निकल कर आ रही है महाराष्ट्र की तरफ से। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार महाराष्ट्र में 228 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी प्लस शिवसेना को दे दी गई है। जी हां दोस्तों, एनडीए के जितने भी दल हैं, शिवसेना, बीजेपी और इनके जो भी अन्य सहायक दल हैं, उनको 228 सीटें फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार दी गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल से कि 194 के लगभग सीटें हैं वो महाराष्ट्र में मिल सकती है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर 194 प्लस सीटें हैं वो बीजेपी को मिलने वाली है, अभी एबीपी न्यूज के द्वारा किए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल, महाराष्ट्र में फिर से बनेगी बीजेपी शिवसेना की सरकार, 288 सीटों में से 194 सीटें मिलने का अनुमान। लेकिन हरियाणा से जो बड़ी अपडेट मैं आपको बता चुका हूँ कि 83 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में काबिज होने जा रही है, वहीं 194 से ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए है वो दोबारा सत्ता में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी हैं अगर हरियाणा और महाराष्ट्र के निवासी तो आप हमें बताएं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर बोलना कि आप वोट दीजिए बीजेपी को लेकिन जेजेपी को आपको वोट नहीं देना है, आपको कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाजपा को वोट दीजिए, जेजेपी को किसी भी हाल में वोट मत दीजिए, इस तरह के जो कमेंट जो चिल्ला चिल्ला कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपकी विधानसभा पर कौन जीत रहा है हमें कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें ताकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी रण की पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।